हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल व्हाट्स एंड हाउ। इस मेरे चैनल व्हाट्स एंड हाउ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप एमएस आउटलुक 2019 में आउटलुक को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की कैसे क्रिएट कर सकें। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू कि आप अपने कीबोर्ड में कोई एक बटन दबाएं और आपका आउटलुक खुल जाए, तो वो आप कैसे करेंगे। तो लेट्स सी, फर्स्ट ऑप्शन पे आपको क्या करना है। सबसे पहले हमें आउटलुक की लोकेशन पे जाना है। ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2019 का ऐप है। राइट क्लिक करेंगे उसको सर्च करके और ओपन फाइल लोकेशन पे जाएंगे। जब आप ओपन फाइल लोकेशन पे जाएंगे, और दूसरा ऑप्शन भी है कि आप विंडो आर की प्रेस करें, सी के अंदर चले जाएं, सी कॉलन करके जब आप ओपन करेंगे तो आपकी सी ड्राइव ओपन हो जाएगी। ये देखिए सी ड्राइव। प्रोग्राम डाटा के अंदर जाएंगे। प्रोग्राम डाटा को शो करने के लिए हमें व्यू में जाना होगा। व्यू में जा करके हमें ऑप्शन में जाना होगा। ऑप्शन में जाके यहाँ पे फाइल के ऑप्शन को हमें शो हिडन फाइल ऑन फोल्डर को क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम डाटा को ओपन करता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, विंडोज़ के अंदर प्रोग्राम डाटा के अंदर आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो विंडोज़ के अंदर आप देखेंगे तो स्टार्ट मेनू के अंदर आप देखेंगे प्रोग्राम्स के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा ऑफिस का आउटलुक है, यहाँ पे सारे शॉर्टकट सारे सिस्टम का यहाँ पे जितने ऐप इसमें इंस्टॉल है सबका शॉर्टकट यहाँ पे शो कर रहा है। तो मैं अभी क्लोज कर देता हूँ। जो इजी मेथड से मैंने आपको शो किया है, एक बार और शो कर देता हूँ। प्रेस विंडो की और यहाँ पे मैं आउटलुक टाइप करूँगा। मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 प्रोफेशनल यूज़ कर रहा हूँ। और उसके शॉर्टकट पे जब आप राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन पे जाएंगे तो वो शॉर्टकट की लोकेशन पे चला जाएगा। और ये आउटलुक के शॉर्टकट पे जब आप राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे यहाँ पे तो देखेंगे यहाँ पे नन है। नन में जब आप यहाँ पे ए प्रेस कर देंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं जब आप ए प्रेस करेंगे तो कंट्रोल ऑल्ट ए और मैं बैक स्पेस करता हूँ, फिर से ये नन हो गया। मैं चाहता हूँ कि ओ फॉर आउटलुक होता है, या मैं यहाँ पे जेड प्रेस करता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट जेड। मीन्स जब मैं आउटलुक को मुझे ओपन करना होगा, कंट्रोल ऑल्ट जेड जब मैं पे करूँगा, जेड क्लिक करूँगा, तो ये आउटलुक मेरा ऑटोमेटिकली जो है खुल जाएगा। तो मैं यहाँ पे बैक स्पेस प्रेस किया, वो गायब होगा। ओ फॉर आउटलुक होता है, तो मैं उसे रिमेम्बर करने के लिए मैं यहाँ पे ओ प्रेस करूँगा जनरली, और मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो यू विल नीड टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन टू चेंज द सेटिंग। तो मैं यहाँ पे खुद एडमिन हूँ, तो मैं यहाँ पे कर दूँगा कंटिन्यू। जब मैं कंटिन्यू करूँगा तो उस सेटिंग को ये अप्लाई कर देगा। देखिए मेरा आउटलुक, मैं अपना आउटलुक अभी मैं क्लोज कर देता हूँ। मैंने कंट्रोल ऑल्ट ओ किया था, ठीक है। मैं यहाँ पे ओ प्रेस, कंट्रोल ऑल्ट ओ। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट ओ प्रेस करूँगा तो मेरा आउटलुक यहाँ पे अपने आप से ही खुल जाएगा। देखिए कंट्रोल ऑल्ट ओ, मैंने यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट ओ प्रेस किया और मेरा आउटलुक खुल गया। खुलने के बाद ये देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे, ये देखिए मैंने यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट ओ प्रेस किया और मेरी जो है ये आउटलुक अपने आप से खुल गया। तो इस तरह से आप अपना शॉर्टकट की आउटलुक को ओपन करने का बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से भी आपको कुछ हेल्प मिली। अगर आपको कुछ हेल्प मिली तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।